अफन वी गेट टू रीड दिस टर्म विच इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट इक्वलाइजेशन सो आपने कभी अगर किताब में देखा होगा इंटरेस्ट रेट इक्लाइजेशन तो सोचा होगा कि इसका मतलब क्या है सो दिस इज़ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट बेसिकली जैसे हम मार्केट uh, मैकेज़म को पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जब कभी भी एक नॉर्मल प्राइस लेवल से किसी भी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट फोर्सेस के इंटरेक्शन से प्राइस नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाती है जैसे फॉर एग्जांपल प्राइसेस अगर बहुत हाई हो, तो लोग कम डिमांड करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को और एज अ कॉन्सिक्वेंस ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो सप्लाई एक्सेस हो जाने की वजह से डिमांड शॉर्ट हो जाने की वजह से उसकी प्राइस फॉल कर जाती है सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन द इन दिस फाइनेंशियल मार्केट एज वेल जब हम फाइनेंशियल सेक्टर को एनालाइज करते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि देर इज़ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट इक्वलाइजेशन सो so, इट मीन्स वेन वी लुक एट वेरियस सेगमेंट्स आपने देखा हमारे पास स्टॉक मार्केट में फार्मासटिकल सेक्टर है ऑटोमोबील्स का सेक्टर है फिर हमारे पास सीमेंट की इंडस्ट्री है तो आप जब सीमेंट के सेक्टर को देखेंगे वहाँ मोरोलेस जो आपका रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम चल रहा होता है तो अगर किसी एक सीमेंट की शेयर में सीमेंट की कंपनी के शेयर में आपको एकदम बहुत ज़्यादा प्राइसेज ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं तो इट मींस डेट इवेंचुअली दे विल फॉल बैक वो वापस आएंगे और वो ऐसे ही नहीं रहेंगे कि बहुत ऊपर हाई लेवल के ऊपर हैं सिमिलरली इफ़ द प्राइसेस ऑफ अ सर्टेन स्टॉक आर वेरी लो तो देन देर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज कि जहाँ आपको इंटरेस्ट रेट किसी भी सेगमेंट में लो देखने को मिलती है लोग उस वहाँ से उस पर्टिकुलर सेगमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करना शुरू कर देते हैं और जिस सेगमेंट में इंटरेस्ट रेट हाई होती है उधर लैंड करना शुरू कर देते हैं तो इवेंचुअली क्या होता है कि दोनों लेवल्स के ऊपर एक नॉर्मल लेवल डिफाइन हो जाता है विच इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट इक्वलाइजेशन सो इफ़ सपोज हम किसी रिस्क रिस्क फ्री स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उसका जो रिटर्न है आपको आपको पता चलता है कि वो फोर परसेंट है या सिक्स परसेंट है या टू परसेंट है तो उस तरह की रिस्क वाली जितनी भी और सेक्टर्स होंगी वहाँ भी इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा तो दिस इज़ वाट इज़ बेंड बाय इंटरेस्ट रेट इक्वलाइजेशन कि हमें अगर बहुत सब्सटैंशल किसी एक सेगमेंट में ऑफ सर्टन फाइनेंशियल मार्केट या किसी एक सेक्टर के अगर आपको बहुत बड़े फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं कि कोई एक या दो कंपनीज के शेयर प्राइस बहुत नीचे जा रहे हैं या उन बहुत ऊपर जा रहे हैं तो इवेंचुअली ओवर द टाइम इट दे टेन टू देर इज़ दिस टेंडेंसी के वो इक्वलाइज हो जाते हैं सो दैट हेल्प्स यू इन मेकिंग बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीशंस के इफ़ देर आर वेरी बिग changes or big fluctuations so over the time they are going to normalize and they normalize because of this because of this concept of interest rate equalization